एक्सपोर्ट कर रही है और उस कंपनी के जो डायरेक्टर है कर्नाटक के माननीय मंत्री महोदय हैं और उसके बारे में एक रिपोर्ट निकल के आती है कि द ओनली शेयर होल्डर ऑफ जीएलए ट्रेडिंग इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड अर्लियर व्हेन ऑनरेबल मिनिस्टर वाज इंटर द ओनली डायरेक्टर बिसाइड्स दिस मिनिस्टर वाज इंटरलिंक सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड। कृपया कृपया बजट ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड मतलब क्या हुआ? डिमांड में बोलिए ना जी। जी सर, हो गया योजना, हो गया बहुत, हो गया डिमांड पर बोलिए। अभी तो सर हुआ है, माइंस पे बोल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। माइंस है तो वो तो हो गया ना। ऐसे तीन शिक्षक का नहीं ना है, सारे देश का। उपाध्यक्ष जी, ऐसी तीन फर्जी कंपनियां जो कि दुबई और सिंगापुर में रजिस्टर्ड हैं, उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टर ये कर्नाटक के मंत्री महोदय हैं। तीन चार दिन पहले खबर आई कि सिर्फ वर्जिन आइलैंड में ही इनके अकाउंट्स नहीं है, आइल ऑफ मैन में भी इनके अकाउंट्स हैं। ये जो कालाधन चल रहा है, सबसे पहले तो अपने मंत्री को बोलो अपना कालाधन लाकर के हिंदुस्तान में रख दे, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। ये $400 बिलियन और $500 बिलियन की जो कहानी आ रही है, ये यही तो सोर्सेज है साहब, स्रोत कहां है? अब ये जो माननीय मंत्री महोदय, आगे का किस्सा, जो कि लीगल माइनिंग के सरताज, एकदम सरताज हैं, बेताज बादशाह हैं, इनके खिलाफ 9 NBW है, नॉन वेलेबल वारंट्स है। 9 NBWs अगेंस्ट दिस जेंटलमैन, मंत्री पे ऑन 18 सितंबर 2006 टिमोटी माइंस कंपनी हैड लॉज कंप्लेंट विद द तोरंगल कर्नाटका पुलिस दैट Mr. Minister along with an accomplice had led a team to blast the tri-junction point of Karnataka-Andhra border and encroached upon mines belonging to TMC. कृपया समाप्त करें। The court of Central First Class Judicial Magistrate issued a non-bailable arrest warrant on December 38, 2009 for non-appearance before court. आज तक 10 बार कोर्ट से ऑर्डर हुआ है कि आप कोर्ट में अपीयर होइए। इतनी बड़ी चाल चरित्र चिंतन वाली पार्टी, उसके मंत्री आज तक कोर्ट में अपीयर नहीं हुए। अभी बहुत कुछ है, मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं। अब मैं आता हूं एक आखिरी मुद्दे पर आता हूं। आखिरी मुद्दा यह है कि अब ये मंत्री जी का मामला क्या है, क्यों ये मंत्री जी को नहीं ये मंत्री जी को ये मंत्री जी का एक बयान आता है, मंत्री जी का एक बयान पढ़ने को मिला। माई एंट्री इंटू पॉलिटिक्स इज प्योरली एक्सीडेंटल। आई विल ऑलवेज बी ए बिजनेसमैन फर्स्ट। इट इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हु इज द पॉलिटिशियन। ही सेज रिकाउंटिंग द ऑफ टोल्ड स्टोरी टू इमोशनल कनेक्शन। हो सकता है ये बयान गलत हो। प्लीज बैठ जाइए। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, बात पूरी करने दीजिए। हो सकता है ये बयान गलत हो, लेकिन सुनी हुई बातें गलत हो सकती है, कही हुई बातें गलत हो सकती हैं, लिखी हुई बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन छपी हुई तस्वीर गलत नहीं हो सकती। ये तस्वीर मैं सदन में टेबल पर रख रहा हूँ। कृपया समाप्त कीजिए। हमारी दीदी ये दोनों मंत्रियों को उनके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे। कृपया समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। सुषमा जी को कभी ये ताई बोलते हैं, कभी अम्मा बोलते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। समय हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समय इतना हो गया, विरोध करेंगे और मुझे समय देख रहे हैं ना। मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए, उससे ज्यादा हो गया। 40 मिनट आपने बोला है, आपने बोल दिया है। जो सुबह शाम इस सदन में हर मामले में घोटाला ढूंढते हैं, यहाँ तक कि गरीब लोगों को 8x8 खोखा जो आवंटित किया जाता है उसमें भी घोटाला देख लिया गया, उन लोगों को इतनी बड़ी इलीगल माइनिंग का घोटाला आज तक नहीं दिखा। काश, मुझे बहुत अच्छा लगता अगर लीडर ऑपोजिशन की तरफ यह विषय सदन में रखा जाता और कहा जाता कि इस मामले की भी छानबीन होनी चाहिए। ये दूसरी बात है कि बीजेपी ने मांग नहीं कि छानबीन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है। कृपया समाप्त। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। कृपया समाप्त। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जस्टिस शाह कमीशन
काम कर रहा है। अब इस पूरे मामले में इसलिए चुप्पी साधी गई है, कृपया समाप्त करें उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं। अब इस पूरे मामले में चुप्पी इसलिए साध के रखी गई है क्योंकि ये जो मंत्री महोदय हैं, जो रातों रात कहा जाता है कि एक लाख करोड़ के आदमी हो गए हैं, उन्होंने कहीं एक बयान दिया, पांच हजार करोड़। अरे प्रधानमंत्री बनना है जनता के आशीर्वाद से बनिए, किसी लुटेरे किसी फ्रॉड और इलीगल माइनिंग में शामिल लोग जो फेरा का वॉयलेशन कर रहे हैं, श्री हांस का वॉयलेशन कर रहे हैं, बंद कीजिए समाप्त कीजिए, जो पूरे के पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय दो मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। नाम लिया गया होगा, मेरा निवेदन यह है, जितना भी नाम लिया गया होगा डिलीट होगा। एक साथ दोगली नीति नहीं चलेगी, अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, सिर्फ 2G स्कैम पे नहीं लड़ना है, इलीगल माइनिंग के स्कैम के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। कृपया समाप्त कीजिए, अगर ताकत है, कृपया समाप्त कीजिए, ईमानदार है, भ्रष्टाचार को दूर करने का संकल्प है, अगर ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करती हैं आप, तो इलीगल माइनिंग खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने इस मंत्री को तिलांजलि दो, अपने इस मंत्री को सरकार से निकालो। आप तो इस मंत्री को नहीं निकाल पाए, दुरप्पा को क्या निकाल पाए, तो बेचारा खुद ही इस मंत्री से त्रस्त है। उस कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं ना, आज दोपहर में ये तो देवगौड़ा जी एक विषय रख रहे हैं। समाप्त कीजिए, कृपया समाप्त कीजिए, उपाध्यक्ष महोदय मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपने बहुत कुछ बोला, दोपहर में देवगौड़ा जी उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास मेरी पार्टी का दिया हुआ टाइम है, मैं निवेदन कर रहा हूँ, समाप्त हो गया, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे और बात करने का मौका दें। और लोग नहीं बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे और लोग, मैं कमिटमेंट दे रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। पूरा एक कर्नाटका राज्य सरकार की अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, उसका नाम है मैसूर मिनरल्स लिमिटेड। उस कंपनी ने JSW जिंदल स्टील के साथ एक JV किया, ज्वाइंट वेंचर किया, और यह हुआ कि भाई मैसूर मिनरल लिमिटेड के जो अपने अख्तियार के जो खान हैं, उन खानों से आयरन ओर निकालेंगे, बाद में अपनी स्टील कंपनी के लिए इस्तेमाल करेंगे, बदले में उनको रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को पेमेंट करना था। पिछले तमाम वर्षों में JSW ने एक पैसा भी रॉयल्टी नहीं दिया, बड़ी मुश्किल से खींचतान करके 30-35 करोड़ दिया, 118 करोड़ रुपए का बकाया राशि है उसके ऊपर। उसके लिए देवगौड़ा जी के सुपुत्र जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते तो उन्होंने नोटिस दिया, वो नोटिस की कॉपी है मेरे पास, तुम जितना जल्दी हो पैसा दो। लेकिन उस डिफॉल्टर कंपनी को उसका 118 करोड़ का जो बकाया था उसको माफ किया इस कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने। अब चिंता की बात यह बनती है कि उसी JSW की तरफ से कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर के सुपुत्र, उनके नेतृत्व में जो एक ट्रस्ट है, प्रेरणा ट्रस्ट है, उसमें 27 करोड़ रुपए बाई चेक पेमेंट आया। कभी टेलीविजन के सामने सरेआम 1 लाख रुपए नगद लेते हो, और कभी अपने शिक्षा के लिए बनाए ट्रस्ट में चेक से रिश्वत लेते हो, और आप ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए उपस्थित होते हो, तो ये बीजेपी की जो दोमुही नीति है, उस नीति की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये चाहूंगा कि कर्नाटका में जो इलीगल माइनिंग चल रही है उसकी एक साफ सुथरी जांच होनी चाहिए, और तत्काल। केंद्र सरकार ने बहुत सारे एक्शन लिए, हमारे जयराम रमेश साहब जो पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने तमाम चिट्ठियां भेजी, एडवाइजरीज भेजी, लेकिन राज्य सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राज्य सरकार के ऊपर, अपनी राज्य सरकार के ऊपर इस प्रकार का दबाव डाले कि साहब आज आप हैं कल आप नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, लेकिन इस देश की जो खनिज संपदा है उसकी लूट नहीं होनी चाहिए। तो खनिज संपदा की लूट करने वालों को रोकने के लिए जो केंद्र सरकार के तरफ से प्रयास चल रहा है, उस केंद्र सरकार के प्रयासों को सही रिस्पॉन्स और उसके आलोक में सही एक्शन, सही कामकाज राज्य सरकार करे, ऐसा निर्देश भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कम से कम इलीगल माइनिंग रोकने के संदर्भ में दे। मुख्यमंत्री हटाने की तो हिम्मत इनमें नहीं थी, कम से कम जो गरीब लोगों का पूरा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है, घर लूटा जा रहा है, जो आदिवासी सड़कों पे आ रहे हैं, जो इस देश के खजाने को जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान को रोकने के लिए, उस नुकसान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से एक प्रयास करे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। हम नहीं बोला।